तो है वो सब गए तो आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस। तो मैंने बहुत टाइम से कोई ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज मैं कोई ट्यूटोरियल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना आपको पम्प्स का ट्यूटोरियल दूंगा। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्रीव्यू तो आपने देख लिया होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, तो इस पे जो है ना आप जो है ना 300 फॉलोअर्स करवा दो। तो यार जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं तो यार जाके प्लीज़ फॉलो कर देना, ठीक है। तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं अपने लाइट मोशन में, तो जो भी आपकी क्लिप है उसे आप ऐड कर लो, और जहाँ से आपको पंप चाहिए वहाँ से आपको ना स्प्लिट करना है। तो मुझे यहाँ से मतलब पंप चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा बैक जाके यहाँ यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे यहाँ से स्प्लिट करूँगा, फिर से आपको थोड़ा बैक जाना है और इस वीडियो को ना ऐसे पीछे कर लेना है, ठीक है। अब मुझे जो है ना थोड़ा आगे जाके यहाँ तक, मुझे यहाँ तक स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये मेरी क्लिप हो गई, और यहाँ तक मुझे इफेक्ट चाहिए वो पंप वाला। तो मैं यहाँ से एक ये ऐड कर लूँगा, इसे 3D जो ऊपर आपको दिख रहे हैं इसे जो है ना आपको जो है ना फिल कर लेना है, जो फिल जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा आगे जाके यहाँ तक आपको स्प्लिट कर लेना है। तो इसमें एक आपको इफेक्ट डालना है जिसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड, तो मैं वो इफेक्ट डाल लेता हूँ। तो ये डालने के बाद इसे जो है ना आप कर लेना है डुप्लीकेट। तो अब आपको जो है ना जहाँ से आपका इफेक्ट ओपन हो रहा है वहाँ से जो है ना इसे जो है ना इसे साइड में कर लेना है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा मैं इसे आगे कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा आगे जो है ना एक किल हो रहा है, ठीक है, जो मतलब इसको ओपन होके मतलब बंद हो रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है बिल्कुल सही है, जो ऊपर वाला लेयर है इसे जो है ना फिलहाल के आप हाइड कर लो, और नीचे वाला लेयर है इसमें आपको एक इफेक्ट डालना है जिसका नाम है पिंच पता नहीं क्या ऊपर, हाँ ये वाला, ठीक है। तो इसे आप जो है ना ऐड कर लो, ठीक है। तो इसकी जो है ना सबसे पहले इसे जो है ना 0.0 पे कर लो यहाँ तक, ठीक है। अब इस पे जो है ना आपको 3 की फ्रेम ऐड करने हैं, पहला जो है ना इसे साइड में कर लो, और दूसरा इस साइड में कर लो, और तीसरा बीच में, ठीक है। तो अब जो हम इसकी सेटिंग रख रहा हूँ आपको वही रखनी है, तो इसकी मैं सेटिंग रख रहा हूँ 0.90, ठीक है। अब जो नीचे वाला इसे जो है ना आपको बिल्कुल फुल कर लेना है जितना आपको कर सकते हो। अब आपको फिर से स्ट्रेंथ में जाना है, और थोड़ा साइड में जाके आपको ये वाला रखना है सेटिंग जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने स्ट्रेंथ में जाके जो सेटिंग रखी थी वो मुझे सही नहीं लगी, तो अब जो आपको जो है ना बस ऐसे जो है ना थोड़ा सा ऐसे बना कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसा बनता है, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मुझे ना ऐसे ऐसे कर लेना है पीछे, तो अब मुझे लगता है कुछ बेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको एक और इफेक्ट डालना है जिसका नाम है एक्सपोजर गामा। ये ऐड करने के बाद इसमें आपको 3 की फ्रेम लगाने हैं एक्सपोजर में, तो जैसे मैंने पहले रखे थे आपको वैसे ही रखने हैं 3 की फ्रेम लगाने। और इसकी जो है ना मैं थोड़े से बढ़ा लेता हूँ, इसके जो मैं रख रहा हूँ सेटिंग वो रख रहा हूँ 1.050, ठीक है। तो आपको वही रखनी है, या अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप रख सकते हो, तो इसकी वही सेटिंग रखनी है जो मैंने पहले ही रखी थी। अब इतना करने के बाद इसमें एक और इफेक्ट डालना है जिसका नाम है जिल्टर पता नहीं क्या, जो शेकिंग होता है, तो वो मैं ये लगा रहता हूँ, ये वाला रैंडम जिटर जो भी, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहले इसे जो है आपको बढ़ा लेना है, इसमें आपको कोई फ्रेम नहीं लगाने, बस जो है ना एंगल को आप बिल्कुल फुल कर लेना है जितना आपको हो सकता है, और ये भी आपको फुल कर ये आपको इतना ही करना है, ठीक है। और इसे भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो मैं जो जो सेटिंग रखा आपको वही वही रखनी है, ठीक है। तो अब आपका जो देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है, तो देखो आपका मतलब बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आपको जो है ना जो फर्स्ट लेयर है इसमें आपको एक इफेक्ट डालना है, जो मैं ये पता नहीं रिपल नाम है इसका शायद, हाँ ये, तो ये आपको ऐड कर लेना है। तो ये ऐड करने के बाद जो फ्रिक्वेंसी है इसे जो है ना आपको मैं जो इसकी सेटिंग रख रहा हूँ आपको वही रखनी है, आपको फ्रिक्वेंसी की जो सेटिंग रखनी है वो रखनी है 1.70, तो मैं ये रख लेता हूँ, और नीचे वाली सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जो है ना स्ट्रेंथ है इसके आपको जो है ना फिर से आपको 3 की फ्रेम लगाने हैं, एक आपको बीच में और ऐसे वैसा, ठीक है। अब इसकी जो है ना मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो ये 0.1.090, ठीक है।
तो आपको ये रखनी है। और इसकी सेटिंग जो मैं इसकी फिर से ये रख रहा हूँ जो मैंने पहले रखी थी, तो ये आप देख लो। तो आपको जो है ना ये इसके साथ में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे वाला ये जो है ना इससे नीचे वाला, इससे आपको जो है ना थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है। तो इतना मैं फुल कर लेता हूँ, नहीं फुल नहीं, इतना सी एम में, तो इतना मैं रख लेता हूँ। तो ये देखो आपका कुछ ऐसा लुक देगा। तो ये मेरा ऑलमोस्ट पंप बन गया है। तो इसकी सेटिंग मैंने जो रखी है आपको वही रखनी है, थोड़ा सा मैं इसे इधर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है पंप, ठीक है। तो बस आज के लिए यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करो, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, ठीक है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे ये भी मुझे आप कमेंट में बताने हैं। तो अल्लाह हाफिज़। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't.